हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सुबह के अभी 6 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे ना चाय चढ़ा दी थी, और ये भिंडी जो है ना ये मैंने रात से ही काट के रख ली थी। तो उसके बाद ये मैंने इसमें प्याज जो है ना वो काटना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी जो है वो भिंडी बनाने की शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने रात को चेक नहीं किया, मींस कि चेक भी किया था, मुझे पता भी था कि तेल ख़त्म हो गया है, पर फिर भी पता नहीं कैसे ध्यान से लाना भूल गई मैं, हट गया ध्यान। तो अभी मैंने ना ये अचार में से तेल जो है ना ये निकाला है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह दुकान तो अभी खुली नहीं होती है। तो यहाँ पे ना मैंने अचार में से तेल निकाला है, तो ये भी तेल जो है ना वो अच्छा होता है। इसमें ना अचार आम का अचार है ना, तो उसमें आम के अचार की खटास जो है ना तो वो होती है, तो सब्जी जो है ना वो भी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चाय जो है वो छान के दे दी है हस्बैंड को। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो अभी देखिए भिंडी और प्याज दोनों मैंने जो है ना वो एक साथ ही डाल दिए हैं। तो अभी एकदम सिंपल और जल्दी बनानी हो अगर आपको, तो आप इस तरीके से भिंडी जो है ना वो बना सकते हैं। तो अभी मैं इसमें सारे मसाले जो है ना वो ऐड कर दूँगी, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आपको ऐड करना हो वो आप इसमें ऐड जो है ना वो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको धीरे धीरे पकाना है। तो 15 या 20 मिनट में बन के जो जो है ना तैयार हो जाती है। तो अभी मैं सिर्फ इंडक्शन पे एक पॉइंट पे हीट पे ही इसको पकाऊंगी। तो देखिए सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स इसमें जो है ना वो कर दिए हैं। तो अभी मैं बाकी काम करती रहूँगी, और साथ साथ में ये भिंडी की सब्ज़ी जो है ना वो मेरी बनती रहेगी। अगर आपको जल्दी बनानी हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे चाय भी मेरी बन रही है, तो यहाँ पे सब्जी जो है ना ग्रेवी मैंने जोड़ दी है। तो अभी मैं आटा लगाऊंगी, और उसके बाद जो नाश्ता वगैरह बना के फिर हस्बैंड जाएंगे काम पर, तो उसके बाद मैं करूँगी बाकी काम। आप सब कैसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह मुझे भूल ही गया था कि रात को ना तेल हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अभी मैंने ना अचार में से तेल निकाल, क्योंकि सुबह सुबह अभी कोई शॉप तो खुली नहीं होगी, तो अचार में से तेल निकाल के तो फिर मैंने ये भिंडी की सब्जी जो है ना वो डाल दी फ्राई होने के लिए। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं आटा बनाऊंगी, फिर मिलते हैं आपको सब्जी के बाद। तो यहाँ पे देखिए अभी ये बरामदे में जो हस्बैंड की स्कूटी है ना सफ़ेद वाली, तो ये लगाई होती है, तो ये अभी यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से ना आने जाने में रात को तो लगा देते हैं, दिन में ये बाहर ही रहती है, तो आने जाने में परेशानी जो है ना वो होती है, फिर किचन से कभी बाहर कभी अंदर। तो इसी वजह से ये अभी सुबह का टाइम था, तो ये अभी उठ के चाय वगैरह पी ली है इन्होंने, अभी ये निकाल रहे हैं बाहर, और साथ में ऐसे ही खड़े होकर कुछ मैं इनसे बातें कर रही थी, कुछ काम के बारे में पूछ रही थी, तो वही ये वहाँ पे खड़े होके बता रहे थे मुझे। तो साथ साथ में मैं किचन में जो काम है वो भी ख़त्म कर रही थी अपना, तो अभी ये कुछ बता रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे खड़े होके ना तो वो बातें कर रहे थे मेरे साथ। तो अभी ये इन्होंने निकाल दी है स्कूटी बाहर, तो मैंने सब्ज़ी भी शौक दी थी, तो अभी मैं साथ साथ में आटा लगा लूँगी, और उसके लिए मैं अभी बाहर से ना हैंडपम्प से ये पानी जो है ना जो ट्यूबवेल का आता है तो वहीं से ला रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा जो है वो निकाल ली है, तो फटाफट से आटा जो है वो भी लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हस्बैंड को ना 7 बजे काम पे निकल जाना होता है, तो फिर खा के भी जाना होता है, नाश्ता करके भी जाना होता है, लंच वगैरह जो है ना वो भी लेके जाना होता है, तो इसी वजह से सुबह सुबह का काम जो है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो भी लगा लिया है, और उसके बाद अभी मैं फटाफट से रोटियाँ जो है वो बना लूँगी। सब्ज़ी मेरी जो है ना वो बन रही है, बस थोड़ी सी ही मैं साथ साथ में इसको हिलाती भी जा रही हूँ, और आटा भी लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आटा भी मेरा लग चुका है, और देखिए अभी भिंडी की सब्ज़ी जो है ना तो ये भी मेरी देखिए कितने अच्छे से बन के जो है वो तैयार हो चुकी है। ये 10 या 12 मिनट में बन के जो है ना वो तैयार हो जाती है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे भी। तो देखिए कितने अच्छे से बन के जो है वो तैयार हो चुकी है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं जाता है। तो देखिए
बनके हो चुकी है तैयार। अभी मैं हस्बैंड के लिए निकालूंगी टिफ़िन के लिए, तो इसी प्लेट में मैं निकाल लूँगी और अंदर पंखे के नीचे रख दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से फिर ठंडी हो जाती है। अगर गर्म ही टिफ़िन में पैक कर दो तो फिर वो ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने इस प्लेट में निकाल दी है। तो ये मैं ठंडी होने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं फटाफट से रोटियाँ जो है ना तो वो बना लेती हूँ। हस्बैंड जो है वो अभी नहा रहे हैं, तो नहा के फिर वो नाश्ता करेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो चाय वगैरह हमारी हो गई थी, तो बस अभी नाश्ता ही करना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से पहले मैं रोटियाँ थोड़ी सी बेल के जो है ना वो रख लेती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट से सेकती जाती हूँ साथ साथ में ही, क्योंकि अगर आपने बेल के रखी हो ना तो फिर आसानी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं पहले थोड़ी सी बेल के, ज़्यादा सी बेल के जो है ना वो रख लेती हूँ। तो तब तक तवा भी मैंने चढ़ा दिया है, तवा गर्म हो जाएगा और उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो देखिए अभी उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को। तो दोपहर को सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ा स्टिचिंग का काम करने के बाद। तो ये कपड़े जो मैंने धो के डाले थे ना सूखने के लिए, तो ये सूख गए थे। तो अभी ये मैं उतार के ले जाऊंगी नीचे और उसके बाद करूंगी आपसे कुछ बात। और अभी दोपहर को मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि स्टिचिंग का कुछ काम था, फिर मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना था शॉप पे। तो ये देखिए मौसम कितनी धूप है, अभी 3-4 बजे का टाइम हो रहा तो फिर भी धूप देखिए कितनी ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना चावल की खेती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये चावल की खेती ही है की हुई। तो कपड़े मैंने सारे उतार लिए थे, अभी मैं जा रही हूँ नीचे कपड़े लेके। थोड़े से ही कपड़े थे धुले हुए, तो मैंने छत पे डाले थे सूखने के लिए। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा होती है तो एक 1.5 घंटे में ही कपड़े सारे जो है ना वो सूख जाते हैं। तो अंदर जो है ना वो मैं रखने आई थी ना, तो अंदर अंधेरा था। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब ठीक होंगे। तो देखिए सुबह के बाद अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे शाम को। तो सुबह का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा सिटी गई थी, तो वहाँ पे कुछ काम था तो वो करके आई। तो फिर आके स्टिचिंग वगैरह का काम किया। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो अभी मैंने शाम वाली चाय जो है वो बना के पी ली, क्योंकि अकेली ही घर पे हूँ, बाकी कोई भी नहीं है, हस्बैंड भी काम पे गए हैं। तो अभी मुझे करनी थी आपसे कुछ बात, तो सोचा चलिए बात कर लेते हैं। मुझे बात यही करनी थी कि अभी काफ़ी देर के बाद, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया जब मैं रेगुलर ब्लॉग जो है वो नहीं बना पा रही थी, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ मौसम की रीज़न की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी मैंने डेली जो है वो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी डेली मेरी वीडियो जो है ना वो आया करेंगी। कभी कभार होता है कि कभी मिस हो जाती है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई किसी के रिलेटेड भी वीडियो देखना पसंद करते हैं, जैसे कटिंग, स्टिचिंग, रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, मैं उसी के रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरी कटिंग वाली जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, उनमें अच्छे व्यूज़ मुझे जो है वो मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं देखना तो वो भी आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ जो है वो वहाँ मुझे वहाँ से मिल रहे हैं, वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो फिर जल्दी से जल्दी मेरा टारगेट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो मैं भी अपने पैरों पर जो है वो खड़ी हो पाऊँगी। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को यही पे एंड। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अदर कटिंग, स्टिचिंग, रेसिपी के रिलेटेड सारे लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं छोटी सी वीडियो को यही पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।